हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मोहब्बत है बस तुमसे, कहानी का एपिसोड नंबर 26। राधिका जी मोहन जी के सामने वाले सोफे पर बैठी थी। उनके पास आदित्य बैठा था। मोहन जी ने गहरी सांस लेकर सामने बैठी राधिका जी और आदि को देखा और आगे बोलने लगे, और इस तरह पीयूष ओबेरॉय ने मेरी बच्ची से बदला लेने के लिए प्यार का झूठा नाटक किया, जिसकी वजह से शालू इस कदर टूट गई कि आज तक कभी भी उसकी एक रात भी बिना उन पलों को याद किए नहीं गुजरी है। वो लड़का सुकून और ऐशो आराम से अपनी जिंदगी जी रहा होगा, लेकिन तड़प रही है कौन? मेरी शालू। कहते हुए उनकी आवाज धीमी पड़ गई। वहीं आदित्य को अब उसकी आंखों में छुपे दर्द का राज समझ आ रहा था, साथ ही साथ पीयूष पर गुस्सा भी आ रहा था। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई शालू को तकलीफ देने की? लेकिन उस समय उसने खुद को शांत करते हुए मोहन जी का हाथ पकड़ते हुए उन्हें समझाते हुए बोला, अंकल शालू की भी बात कहाँ गलत है, एक बार सोचकर देखिए, जो कुछ भी हुआ उसमें उस बच्चे की गलती है। नहीं ना, अगर वो जिद कर रही है तो आप ही मान जाइए प्लीज। आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है क्या? और लोगों का क्या है, आज बोलेंगे कल बोलेंगे लेकिन परसों तक भूल जाएंगे। आपको शालू की फिक्र है या उन लोगों की जो बस दूसरों के घरों में लगी आग में हाथ सेकने आते हैं? उसकी बात सुनकर मोहन जी उसे देखते हैं तो राधिका जी उन्हें समझाते हुए बोली, हाँ भाई साहब, भले ही आपको यहाँ आए एक महीना ही हुआ, लेकिन यकीन मानिए इस बीच हमें पता चल गया कि शालिनी कितनी अच्छी बच्ची है। उसे भरोसा है जब तक आप उसके साथ हैं कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस भरोसे पर खरा उतरिए और अपनी बेटी का साथ दीजिए। समाज के साथ तो हजारों लोग रहते हैं। अपनी माँ की तस्वीर को सीने से लगाए वो किसी सोच में खोई थी। मैंने गलत फैसला तो नहीं लिया ना माँ? तभी उसे अपने सिर पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। उसने सिर उठाकर देखा तो सामने आदि था। शालिनी को समझ नहीं आ रहा था वो उससे क्या बोले। उसके हाथ से तस्वीर लेते हुए वो उस तस्वीर को देखकर बोला, देख रही हैं आप आंटी, अब इसे अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करने में भी झिझक महसूस होती है। आपकी बेटी ना सच में बुद्धू है। शालिनी ने बिना कुछ बोले उसके हाथ से तस्वीर लेकर एक तरफ रख दी और खुद उसके गले लग गई। उसके सिर को सहलाते हुए वो बोला, ए शालू, वो सब तो ठीक है पर अपने आंसुओं से खबरदार जो मेरा टी शर्ट गीला किया, तो अभी 2 हफ्ते पहले ही लिया है। शालिनी उससे अलग होकर उसे देखने लगी। अगले ही पल उसने पास पड़ा पिलो उस पर फेंक दिया। आदित्य झूठ मूठ का ही चीख पड़ा, आदि मैं ठीक तो कर रही हूं ना? काफी देर बाद उसने पूछा तो आदि ने चाय का कप उसके आगे करते हुए कहा, देख शालू, जो भी चीजें पास्ट में बीत चुकी हैं, जो बिगड़ चुकी हैं, उन्हें हम सुधार नहीं सकते, लेकिन अपने फ्यूचर में वैसी कोई गलती ना हो यही हम सोचते हैं ना। पास्ट को ठीक करना हमारे बस में नहीं है, लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर को हम सही कर सकते हैं। तो जो कुछ भी पहले हुआ सब भूल जा, एक नए सिरे से नई शुरुआत कर। कहते हुए वो अपने हाथ में पकड़े चाय के कप से चाय पीने लगता है। उसकी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी और बोली, आदि अब मैं घर से ही पढ़ाई करूंगी। ये एग्जाम तो दे दूंगी कॉलेज में, लेकिन उसके बाद न्यू सेशन में एज अ प्राइवेट स्टूडेंट पढ़ूंगी। कहकर उसने जब आदि की तरफ देखा तो वो बोला, ठीक है बाबा, अभी तो तू एग्जाम की तैयारी कर, इस बार सेमेस्टर में भी तुझे ही टॉप करना है। उसकी बात सुनकर शालिनी ने अपनी नजरें बस सामने टिका दी। क्या सच में वो जो सोच रही थी वो कर सकती थी? क्या सच में वो इतनी मजबूत थी कि अपने बच्चे का ध्यान अकेले रख सके? ऐसे ना जाने कितने ही ख्याल उसके जहन में उथल पुथल मचा रहे थे। उस बड़े से आलिशान कॉन्फ्रेंस रूम में पीयूष की मीटिंग चल रही थी। सामने उस बड़े से प्रोजेक्टर स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन चल रही थी। तिथि प्रेजेंटेशन दे रही थी। वहीं पीयूष का पूरा ध्यान उस प्रेजेंटेशन पर था। थोड़ी देर बाद मीटिंग खत्म हुई। पीयूष अपनी चेयर से उठा, तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी, मिस्टर ओबेरॉय, क्या सोचा आपने? पीयूष ने पलट कर देखा तो वही शख्स खड़ा था जो उस दिन पीयूष से मिलने आया था, रुद्रांश चौधरी, यही तो था उसका नाम। उसने अपने पापा का बिजनेस नया नया ही ज्वाइन किया था। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए वो पीयूष को देख रहा था। मैं बिजनेस में नया भले ही हूँ मिस्टर चौधरी, पर कोताही बरतना हमारे बिजनेस में मुश्किल पैदा कर सकता है। बाकी रही बात हमारी डील की, तो हमारी तरफ से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो मेरी असिस्टेंट आपको बता देगी। कहकर उसने एक फाइल रुद्रांश के आगे कर दी। बिजनेस में कोताही बरतना मुझे भी नहीं पसंद मिस्टर ओबेरॉय, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आपके डैड मिस्टर निरंजन ओबेरॉय से हमारे पर्सनल रिलेशंस भी हैं, और आपकी कंपनी से ये डील करने के बाद दोनों कंपनियों का प्रॉफिट होगा। बाय द वे, अपना दायां हाथ आगे करते हुए, नाइस टू मीट यू। पीयूष ने एक नजर उसके हाथ को देखा।
फिर अपने बाएं हाथ को आगे करके रुद्रांश से हाथ मिलाकर वो तिथि की तरफ एक नजर देखता है और लंबे कदमों से वहां से चला जाता है। इम्प्रेसिव, इस बंदे से जितनी दफा मिलता हूँ एक अलग ही छाप ये छोड़ जाता है, मुस्कुराते हुए उसने कहा और अपने जेबों में हाथ डाले उसी तरफ देखने लगा जहां से अभी पीयूष गया था। अपने कमरे के बेड के क्राउन से सिर टिकाए अदलेटी सी एक दिन पहले हुई घटना में खोई थी। लेटी हुई वो बस मयंक के बारे में ही सोच रही थी। वो एकदम से उठकर बैठ गई। तभी उसे अपने पैर में तेज दर्द का एहसास हुआ। अपने पैर को पकड़े वो बैठ गई। आंखों में एक बार फिर नमी तैर गई। अपना सर घुमाने पर उसकी नजर अपने मोबाइल पर गई। मोबाइल ऑफ और टूटी फूटी हालत में पड़ा था। उसे देखते हुए ही बीती रात हुई घटना के बारे में सोचने लगी। श्रुति अपने कमरे की सीलिंग को एक टक घूर रही थी। तभी घड़ी की होती टिक टिक की आवाज से वो होश में आई। घर में शांति होने की वजह से वो आवाज भी उसे तेज मालूम पड़ रही थी। उसने अपने पैर को देखा जो बुरी तरह सूज चुका था। अब एक जगह लेटे लेटे वो उन्हीं ख्यालों में खोई थी, इसलिए उठकर उसने हॉल में जाने का फैसला किया। बेड का सहारा लेते हुए जैसे तैसे वो हॉल में पहुंची। अपना मन बहलाने के लिए टीवी ऑन किया। कहीं ना कहीं वो अभी भी उन पलों से नहीं उभर पाई थी। तभी डोरबेल बजी। सर्वेंट ने दरवाजा खोला तो पीयूष को देखकर वो मुस्कुरा दी। उसे बाहर बैठे देख पीयूष चिंता भरे लहजे में बोला, श्रुति तू बाहर क्यों बैठी है? दर्द हो रहा है क्या? डॉक्टर को बुलाऊं क्या मैं? उसे चिंता में देखकर श्रुति उसे शांत कराते हुए बोली, शांत भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थक गई थी अंदर बैठे बैठे इसलिए यहाँ आ गई। आज बड़े पापा भी अपने दोस्त के यहाँ ही रुक गए इसलिए यहाँ आ गई। और वैसे भी आज का दिन तो ऐसे ही चला गया, लेकिन कल मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा ना? उसकी बात सुनकर पीयूष भी वहीं बैठते हुए बोला, नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं, उन्होंने खुद ही अपना गुनाह कबूल लिया। फिर उसने श्रुति को देखा और बात पलटने के इरादे से बोला, वैसे मयंक को काफ़ी समय बाद मैंने गुस्से में देखा। लास्ट टाइम हम 11th में थे तब उसने गुस्से में हमारी क्लासमेट का सिर फोड़ दिया था, क्योंकि उसने मुझे टीचर की नज़रों में गिराने के लिए बहुत कुछ ऐसा बोला था जिससे मयंक को गुस्सा आ गया था। फिर हल्की सी हंसी के साथ, वो जब तक शांत है दुनिया का सबसे शांत इंसान है, अगर कोई उसे उसके अपनों को परेशान ना करे। उसकी बात सुनकर सहसा ही उसकी आंखों के सामने वो पल आ जाता है जब मयंक ने उन लड़कों से गुस्से में अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। प्यार करता हूँ मैं उससे, सुना तूने? प्यार, तूने उसे छूने की गलती की, तेरी वजह से वो रोई और तू चाहता है कि मैं तुझे माफ कर दूं? कभी भी नहीं। ये उसके बोले हुए कुछ लफ्ज जो याद करते ही श्रुति के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ गई। पीयूष की नजर उस पर गई तो वो मुस्कुरा दिया, वो तुझसे बहुत प्यार करता है, उसे खोना मत। हाँ उतना एक्सप्रेसिव नहीं है मयंक, लेकिन एक बार जिसको उसने दिल से अपना मान लिया ना, तो उसके बाद वो दुनिया से लड़ सकता है उसके लिए, कहकर पीयूष ने उसे देखा तो उसे देखकर श्रुति मुस्कुरा दी। भाई आप शालू का इंतजार अभी भी कर रहे हैं? अगर वो नहीं मिली तो, या फिर मिली भी और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई होगी तो? श्रुति उसके चेहरे के बदलते भावों को ध्यान से देख रही थी, मगर उसके भाव जानने में नाकामयाब ही रही। पीयूष का वो सर्द चेहरा उसे कुछ भी बताने में असफल रहा। तो मैं भी नहीं जानता मैं क्या करूंगा, शायद मर जाऊंगा, क्योंकि शालिनी नहीं तो कोई नहीं, और उसी के साथ बिताई उन यादों और इस उम्मीद में कि वो फिर मिलेगी, यही सोचकर मैं जिंदा हूँ, वरना शायद ये सांसें भी उससे दूर होने के दर्द के आगे घुटने टेक देती। कहते हुए उसकी आंखों में सिर्फ जिद और दीवानगी दिखाई दे रही थी। इतनी दीवानगी, ना जाने क्या होगा जब पीयूष और शालिनी मिलेंगे। सब याद करते ही एक बार फिर श्रुति वर्तमान में आ गई। अपने कमरे में मौजूद पीयूष और अपनी तस्वीर देखकर वो मुस्कुरा दी। अपने कमरे में नजर घुमाते हुए उसकी नजर सहसा ही उस तस्वीर पर जाट की जिसमें शालिनी, श्रुति, मयंक और पीयूष सब साथ में थे। ना जाने हम फिर कब साथ होंगे शालू, मयंक सर भी बताते नहीं हैं लेकिन तेरी याद उन्हें भी आती है। नाराज भी बहुत है लेकिन उससे भी ज्यादा प्यार करते हैं वो तुझसे। और भाई काश तू समझ पाती कि भाई बदल गए हैं, वो बदल गए हैं, उन्हें एहसास हो गया है अपने जज्बातों का और वो अब तुझे दीवानों की तरह चाहते हैं। काश हम सब साथ होते तो इतना सब नहीं बदलता। वहीं अपने कमरे में लेटा मयंक अपने हाथ में शालिनी की छोटी सी तस्वीर को देखते हुए बोला, बहुत नाराज हूं मैं तुझसे शालू, थक गया तुम्हें ढूंढते ढूंढते, कहाँ चली गई आखिर तुम? क्यों पीयूष की गलती की सजा हम सबको दी तुमने, हम तुम्हारे लिए क्या जरा से भी मायने नहीं रखते थे? कहते हुए वो आगे कुछ बोलता उससे पहले कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। अपनी गीली आंखों को पोंछकर वो उठा और जाकर दरवाजा खोला तो अपनी माँ को देखकर मुस्कुरा दिया। ले खाना खा, और आज इतनी देर से क्यों आया? मयंक ने अपनी नजर घड़ी पर डाली
तो रात के 11 बज रहे थे। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और बोला, वो काम में बिजी था थोड़ा। उसकी माँ ने सिर हिला दिया। उसको खाना खिलाने के बाद वो वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद शालिनी की तस्वीर को वॉलेट में डाले वो बेड पर लेट गया। दिन भर की इतनी थकावट के बावजूद मोबाइल लेकर श्रुति को कॉल लगा दिया। पीयूष का इंतजार करती श्रुति की नज़र बार बार घड़ी पर जा रही थी, तभी निरंजन जी आए। अब तक वो नहीं आया? उनका सवाल सुनकर श्रुति ने नामे सिर हिला दिया और बोली, आप सो जाइए बड़े पापा, मैं अभी जाग ही रही हूँ। उसकी बात सुनकर निरंजन जी सोफे पर बैठते हुए बोले, नहीं मुझे भी अभी नींद नहीं आ रही, वैसे भी मैं भी तो बैठा ही हूँ। वो बैठे ही थे कि श्रुति का फोन रिंग करने लगा। स्क्रीन पर मयंक सर कॉलिंग फ्लैश हो रहा था। श्रुति का मुंह बेचारा सा हो गया। एक तो पूरे दिन में सिर्फ यही समय होता था जब मयंक से उसकी बात होती थी, ऊपर से निरंजन जी वहीं थे, जिस वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। वहीं निरंजन जी को अब श्रुति का चेहरा देखकर अंदाजा लग गया था कि मयंक का कॉल है। उन्होंने श्रुति को देखकर कहा, कौन है श्रुति, किसका इस समय कॉल आ रहा है? कोई नहीं बड़े पापा, बस कॉलेज से हैं, ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, नोट्स के लिए ये लोग परेशान कर देते हैं। ऐसे कैसे परेशान कर देते हैं, दो मैं बात करता हूँ। उनकी बात सुनकर श्रुति की आंखें बड़ी हो गई। निरंजन जी ने अपना हाथ बढ़ाया ही था कि कॉल कट हो गया। उसने एक राहत की सांस छोड़ी और निरंजन जी की तरफ देखा। निरंजन जी उठकर अपने कमरे की तरफ जाते हुए बोले, मैं जाग रहा हूँ, पीयूष आएगा तो मुझे बता देना। उनके जाने के बाद एक बार फिर से मयंक का कॉल आने लगा। इस बार बिना देर किए श्रुति ने फोन उठा लिया। आज ज्यादा थक गए हैं क्या आप? काफी देर तक दूसरी तरफ फैली खामोशी को महसूस कर श्रुति पूछती है, तो मयंक के लब मुस्कुरा देते हैं। मयंक मुस्कुराकर, तुम्हें हर बार मैं कैसा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सब पता चल जाता है। श्रुति बालकनी की तरफ बढ़ते हुए, क्योंकि मैं अंतर्यामी जो हूँ, सब पता चल जाता है मुझे। मयंक कुछ बोलने वाला था, तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आती है। वो हंसकर बोलता है, जाओ आ गया वो, एक तो इतनी देर से आता है, ऊपर से उसकी वजह से तुम्हें भी जागना पड़ता है। आप भाई के बारे में ऐसा मत बोलिए, वो बिजी रहते हैं, कहकर श्रुति बिना उसे कोई मौका दिए आगे बोलती है। अच्छा अब आप जागना नहीं और काम भी मत करना, सो जाना, गुड नाइट। उसने कहा तो मयंक ने मुस्कुराकर कहा, गुड नाइट, अपना ख्याल रखना। उसने कॉल रखा, तभी डोरबेल बजी। सर्वेंट ने जाकर दरवाजा खोला तो अपने बाजू के बटन को खोलते हुए पीयूष अंदर आया। उसका कोट उसने दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ था। उसके चेहरे से ही थकान साफ दिख रही थी। अपने कोट को सोफे पर रखते हुए वो सोफे पर निढाल सा बैठ गया। उसके हल्के घुंघराले घने बाल माथे पर बिखरे थे। एक गहरी सांस छोड़ते हुए उसने सोफे के हेड से सिर टिका लिया। जब उसे अपने माथे पर प्यार भरा स्पर्श महसूस हुआ तो वो मुस्कुरा दिया। वो अच्छे से जानता था कि श्रुति को हजार बार मना करने के बाद भी वो जब तक घर नहीं आता था तब तक वो नहीं सोती थी। श्रुति ध्यान से अपने भाई को देख रही थी। कितना कुछ बदल गया था उसमें। वो अलहड़ और बेपरवाह सा लड़का इस जिम्मेदार और खामोश लड़के के अंदर छुप गया था। उसे सिर्फ अपनी मौज मस्ती से मतलब था और इसे इंतजार था किसी के लौटने का। ये बात नकारी नहीं जा सकती थी कि पीयूष की गलती नहीं थी शालिनी का दिल तोड़ने में, मगर ये भी नहीं था कि उसे पछतावा नहीं था। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ तो ऐसा था जो पीयूष में नहीं बदला था और ना ही कभी उसे बदलना था इन चीजों को, उसका गुरूर, उसका घमंड। क्या होगा आगे इनके जिंदगी में? शालिनी कैसे करेगी इस समाज और अपने पापा का सामना? पीयूष का इंतजार और कितना लंबा होगा? क्या शालिनी और पीयूष की मुलाकात होगी कभी? क्या होगा इनके जिंदगी में? जानने के लिए सुनते रहें मोहब्बत है बस तुमसे कहानी के आने वाले एपिसोड्स। और आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।